हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स किस किस तरह के होते हैं, और हमने पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स किस तरह निकालते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड्स हो, ठीक है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड्स हो। और पॉलीगन किसको बोलते हैं? एक क्लोज शेप जिसकी साइड्स तीन या तीन से ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। और क्वाड्रिलेटरल में आती है, चार साइड्स आती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। इसके छह टाइप्स हैं: ट्रेपेजियम, काइट शेप, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोमबस। इन छह शेप्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेपेजियम। कि ट्रेपेजियम क्या होता है? तो यहाँ पे दे रखा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, जिसमें एक पेयर हो अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल हो, और दूसरा जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल बट अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट पैरेलल, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसमें चार साइड है, इसमें चार साइड है, इसकी दो अपोजिट साइड ऐसी होगी जो पैरेलल है। ये दो अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, और दो अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। पैरेलल कब होती है? या तो ये इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जाएगी, ये इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जाएगी। ये दोनों क्या है? सी बी और डी सी डी ए क्या है? इस तरह से है, तो ये पैरेलल नहीं होगी। तो दो पेयर, एक पेयर तो ऐसा होना चाहिए जो पैरेलल हो, और एक पेयर ऐसा होना चाहिए जो पैरेलल नहीं हो, तो उस शेप को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब इसमें देखो, इसमें ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये लाइन जो है वो पैरेलल है, तो पैरेलल का साइन होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गई पैरेलल, और ए डी और सी बी नॉन पैरेलल लाइंस हो गई। अब नेक्स्ट है कि इक्विएंगुलर ट्रेपेजियम क्या होता है? इक्विएंगुलर ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसमें कोई चार साइड हो और दो साइड्स क्या हो? आपस में पैरेलल हो, ठीक है, और जो पैरेलल नहीं है वो साइड क्या हो जाएगी? अगर उस पर दो एंगल्स बने हुए हैं और राइट एंगल है तो उसको हम बोलेंगे इक्विएंगुलर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम विथ टू राइट एंगल, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें दो राइट एंगल बन रहे हो, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे इक्विएंगुलर ट्रेपेजियम। नेक्स्ट सेट है हमारे पास काइट। काइट क्या होती है? आपने सबने देखा है कि काइट किस तरह की होती है, कि अ प्लेन फिगर, एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जिसमें चार साइड्स होती है, अ प्लेन फिगर विद फोर साइड्स एंड टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, और इसमें दो पेयर ऐसे होंगे साइड्स के जो आपस में इक्वल हो। अब यहां से देखो, एस आर और आर क्यू ये आपस में इक्वल है, तो हमने ये डैश का, सिंगल डैश का निशान लगा दिया, ठीक है। यहां से ये दोनों साइड्स इक्वल है और यहां से ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसमें दो पेयर ऐसे होंगे साइड्स के जो आपस में इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? काइट। पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू क्यू आर, एस आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये दो साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो ऐसे शेप को हम बोलेंगे काइट। अब हम देखेंगे कि काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल वेयर अदर पेयर मस्ट नॉट बी इक्वल। काइट शेप जो होती है उसमें क्या होता है कि एक पेयर अपोजिट एंगल हो, मतलब इस तरह से हमारी काइट की शेप बनी थी, इस तरह से काइट की शेप बनी थी, इसमें एंगल्स क्या है, जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल हो, और एक पेयर ऐसा हो जिसमें एंगल्स इक्वल ना हो, ठीक है। सेकेंड है, डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो इनके, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये इसके डायगोनल्स है। डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मतलब काटे कितने डिग्री पर? 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है इफ डायगोनल्स ऑफ पाइप आर इक्वल देन इट इज द रोम्बस, और अगर ये डायगोनल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये रोम्बस बन जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर डायगोनल, एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट एक पैरेललोग्राम नहीं होती है क्योंकि पैरेललोग्राम में चारों साइड्स क्या है, जैसे ये है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, अगर इसकी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो काइट एक पैरेललोग्राम नहीं होती है क्योंकि इसमें इस तरह नहीं होता कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, इस तरह नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पैर ऐसा होगा एंगल्स का जो आपस में इक्वल हो और दूसरा पैर ऐसा होगा जो आपस में इक्वल ना हो, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जब होगा जब उसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसकी चार साइड्स होती हैं, यहाँ फोर साइड्स हैं, इनमें अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, CD इक्वल है AB के और CB इक्वल है AD के, तो दोनों अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो तो उसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका अपोजिट एंगल उसी के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनसे बनने वाले जो एंगल्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स इन्हीं के इक्वल होंगे। फिर है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स बना दे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, कोई भी दो एंगल्स का जब आप सम करोगे तो उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, तो वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो कॉम्प्लीमेंट्री का होता है कि 90 डिग्री का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे दे रखा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको जब आप उनके एंगल्स का जब आप सम करोगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे, मतलब 180 डिग्री उनका सम आएगा। नेक्स्ट है एनी ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स मस्ट नॉट बी राइट एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स किसी भी शेप के अंदर बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स कभी भी राइट एंगल्स नहीं होंगे, मतलब इनका जो वैल्यू है जब आप इनको मेजर करोगे तो ये कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं आएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है और ये इसकी डेफिनेशन है। आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम, कोई भी पैरेललोग्राम हो वो ट्रेपेजियम तो हुआ, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम हो सकता है, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज शो करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेपेजियम भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज शो करे। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल, दूस पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। हमने पढ़ा था भी पैरेललोग्राम के बारे में, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा रेक्टेंगल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, और इसका हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, अगर यहाँ पे हम डायगोनल्स बना दे, अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स बना दे तो ये क्या करेंगे, ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसकी तीन प्रॉपर्टी है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, जितने भी एंगल्स बनेंगे इसमें चार एंगल्स बनेंगे, चारों एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, ये एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो, अ रेक्टेंगल विद ऑल इक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसमें चारों साइड्स इक्वल होती है, तो
प्रॉपर्टीज क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो साइड्स है, चारों साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए इनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस पर ये यहाँ से जा रहा है, तो ये क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर। और अगर इस लाइन पर देखें तो ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो बस इसके तीन चार प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। फिर हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? ये एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें चार साइड्स होती हैं और ये चारों साइड्स क्या है? आपस में इक्वल है और इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। पैरेललोग्राम इन विच फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज कॉल्ड रोम्बस। तो इस टाइप की शेप को हम कहेंगे रोम्बस, जिसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो राइट एंगल पर। ये क्या है? डायगोनल्स है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रोम्बस। इसमें देखो जो एसी साइड है, एसी साइड है और बीडी साइड है। ठीक है, ये क्या है? डायगोनल्स है। एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये राइट एंगल पर, राइट एंगल कहाँ बन रहे हैं? यहाँ पे ओ पे, ये राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? जो ओ ए है, ओ ए है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगी, ओ बी और डी के इक्वल हो जाएंगी। तो ये आ जाएंगी इनकी इक्वेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज क्या है इसमें? जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी। ये इस साइड है, ठीक है, इनके अपोजिट साइड ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। ठीक है, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इस क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये जितनी भी अपोजिट साइड्स हैं या फिर जितनी भी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी और इनकी जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल भी होंगी। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनके जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और राइट एंगल पर ये बाइसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा? राइट एंगल बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इन सबसे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमने पढ़ ली इनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज, अब हम इनके बेस पर इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इस टाइप की शेप है, पैरेललोग्राम है, हमें बोलना है, हमें बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है? 100। और बी जो है, बी एंगल जो है वो किसके इक्वल है? एस के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या थी? कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, ये और ये क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स बी और एस ये आपस में क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है? 100 डिग्री। ठीक है, तो एस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 100 डिग्री। मतलब यहाँ से एक्स की, एंगल एक्स जो है उसकी वैल्यू जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल की वैल्यू तो आ गई कि एक्स। अब यहां से देखो ये लाइन देखो एस, इस टाइप से है ना, एस और ई। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन जा रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही यहाँ पे बनेगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह से होते हैं कि अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर इसी स्ट्रेट लाइन पर एक और लाइन जो परपेंडिकुलर है इसके, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? y, तो y भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा? आपको रीजन लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है z की। तो यहां से देखो, मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, मैंने बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर जितने भी एंगल्स बन
सबका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। यहां से दो एंगल बन रहे हैं y और z, एंगल y प्लस z इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए? क्योंकि लीनियर पेयर है ये। क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है 100 डिग्री, प्लस हमको क्या निकालना है z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री में से किसको माइनस करेंगे एंगल y को, एंगल y को, एंगल y की वैल्यू क्या है 100। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 100, y की वैल्यू क्या आई 100 डिग्री और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक शेप दे रखी है काइट शेप। ठीक है, और इसमें दो एंगल्स तो हमें गिवन है और दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो फाइंड कौन सा करना है, एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, और एंगल बी दे रखा है हमें 76 डिग्री और एंगल डी दे रखा है 84 डिग्री। ठीक है, और काइट की प्रॉपर्टीज में क्या था कि कोई दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब वन पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल एंड अदर इज नॉट इक्वल। ठीक है, दूसरा पेयर क्या होगा, आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये जो पेयर है ये आपस में इक्वल होगा। तो इनके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सबका सम घट। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए हमें पता नहीं है, प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा 76 डिग्री, एंगल सी भी गिवन नहीं है और एंगल डी क्या हो जाएगा 84 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी काइट की, उसमें क्या बोला था कि ये दोनों एंगल्स, एक पेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो और एक पेयर ऐसा होगा जिसमें एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो ए और सी क्या है, ए और सी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ए प्लस 76 डिग्री प्लस इसको हम कर लेते हैं एंगल ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इनका, इन दोनों का, इनका और इनका, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 160 डिग्री। यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया 160 डिग्री। ठीक है, यहां से इनकी वैल्यू आ गई 160 डिग्री और इक्वल में दे रखा है 360 डिग्री। तो यहां से ए की वैल्यू निकालिए 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 200, मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या है 200 है। तो अकेला ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां से हम इस तरह के क्वेश्चंस को इस वे में सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया कि ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है, तो हमने ये ले लिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हमें काइट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी कि एक पेयर ऐसा होगा जिसमें एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और एक पेयर ऐसा होगा जिसमें एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इन सब इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है, इक्वल में हमने रख दिया 360 डिग्री। जब हम चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो दो एंगल्स की वैल्यू हमें दे रखी थी, यहां से क्या आ गया 160 डिग्री। 160 डिग्री को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 200। 200 किसकी है, इन दोनों का सम है। तो जब हम एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी 100। हमारे पास, हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, और इसकी एस से लेके जी तक की जो लाइन है उसकी लेंथ दे रखी है 4x + 1 और जी से एस तक की लेंथ दे रखी है 5x - 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान निकलते हम क्या निकालेंगे, टोटल डायगोनल की लेंथ
निकाल लेंगे। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि रेक्टेंगल के जब डायगोनल्स बनते हैं तो वो डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, एस ओ इज इक्वल टू पी एच, ठीक है, एस ओ इज इक्वल टू पी एच, ये इसके दो डायगोनल्स हैं। अब यहां से देखो एस जी, एस जी, एस जी किसकी इक्वल होगी, ओ जी की, एस जी इक्वल होगी ओ जी की। और यहां से यहां तक की लेंथ एस जी क्या है, किसका हाफ है, एस ओ का, तो हाफ ऑफ एस ओ, ठीक है, एस जी ये यहां से यहां तक की लेंथ है, ये किसका हाफ है, इस पूरी लाइन का, एस ओ लाइन का ये हाफ है, ठीक है, और ओ जी भी क्या है, इस एस ओ लाइन का हाफ है। तो हमने ये ले लिया एस जी और ओ जी क्या है, आपस में इक्वल है और ये दोनों ही हाफ है एस ओ लाइन का, ठीक है। अब यहां से देखो पी जी, पी जी इज इक्वल टू जी एच, पी जी और जी एच आपस में इक्वल है, क्यों है, क्योंकि इनके दोनों के डायगोनल्स क्या है, आपस में इक्वल है और यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट जी पर, ठीक है। तो पी जी इज इक्वल टू जी एच और ये दोनों ही किसका हाफ है, ये हाफ है पूरी पी एच डायगोनल का, ये हाफ है पी एच डायगोनल का। तो हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन आ गई कि एस जी इज इक्वल टू ओ जी इज इक्वल टू वन अपॉन हाफ एस ओ, ये एस ओ के हाफ है दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल है और हाफ है पी एच के। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास तीन इक्वेशन है, एस ओ इज इक्वल टू पी एच, एस जी इज इक्वल टू ओ जी इज इक्वल टू वन अपॉन टू एस ओ, पी जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी एच। तो यहाँ से देखो इन तीनों इक्वेशंस को मिला के, इन तीनों इक्वेशंस को मिला के हमारे पास वैल्यू आई कि एस ओ इज इक्वल टू पी एच। अब यहाँ से देखो एस ओ हमने क्या लिया है, हाफ एस ओ इज इक्वल टू हाफ पी एच, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि हाफ एस ओ इज इक्वल टू हाफ पी एच। अब एस ओ यहाँ से देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाए क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल पे है, तो हाफ से हाफ कैंसिल। अब एसओ की वैल्यू देखो, एसओ किसके इक्वल है, एस जी इज इक्वल टू पी एच किसके इक्वल है, आपको जिसकी वैल्यू दे रखी हो आप उसको उसी को पुट करना, हमें एस जी की वैल्यू दे रखी है और जी एच की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से हाफ पी एच किसके इक्वल था, जी एच की, ठीक है। एस जी की वैल्यू क्या थी, फोर एक्स प्लस वन और इसकी वैल्यू थी फाइव एक्स माइनस वन, ठीक है। यहाँ से देखो 4x है और ये 5x है, ये प्लस का वन है और ये माइनस का वन है, तो डिजिट्स को एक साथ और वेरिएबल्स को एक साथ, वन ये माइनस का वन जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या दे रखा है 5x, ये 4x राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। मतलब क्या है कि ये जो एस जी है इसकी वैल्यू थी 4x प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यहाँ से वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एस जी की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, ये 9 तो ये भी 9, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या है इक्वल है। अब यहाँ से देखो जी एच की वैल्यू क्या थी, 5x माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 10 आया, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यहाँ से भी क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 और ये भी 9। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि रेक्टेंगल के सारे डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ से एस जी और जी एच की वैल्यू निकाली और देन हमने इस पूरे डायगोनल की लेंथ निकाली, डायगोनल की लेंथ क्या आ गई, इसकी भी 18, एस और ओ, एस और ओ, ठीक है, एस से लेके ओ तक क्या आ गया 18, 9 प्लस 9 और यहाँ से भी 9 प्लस 9, तो यहाँ से पी एच की वैल्यू भी क्या आ गई 18। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस वे में सॉल्व करेंगे।